प्रशांत सावंत सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका वैक्सीनेशन हो गया सर, फील गुड? बिल्कुल जी बिल्कुल कर रहे हैं, आज आपको हम बहुत मिस कर रहे थे। एक्चुअली हम भी मिस कर रहे थे, हमारे व्यूअर्स भी बहुत मिस कर रहे थे, वो कह रहे थे कहाँ है प्रशांत जी, प्रशांत जी को लाओ। मतलब अगर आप एक दिन शायद नहीं आएंगे तो आंदोलन ना हो जाए, मेरे को तो ऐसा लगता है, डर है कि आंदोलन ही ना हो जाए, क्रांति ना हो जाए, कि हमको उठा के बाहर फेंक दिया जाए, बोले सर आप तो बैठिए प्रशांत जी रखिए हमारे पास। ठीक है सर। सर बहुत सारे शेयर है, मैं जरा स्पीड से लूंगा, आपको कोई अपडेट देना है तो दे दो। अच्छा एक शेयर आज आपका था जिसको मैं आज फिर से याद कर रहे थे, मैं भूल गया, मैं दिन में था वो, मैं आपको याद कर रहा था, मैं क्या आपने बताया था ये शेयर कौन सा सर, शायद एलिकॉन होगा या रेन इंडस्ट्रीज होगा। हाँ सर रेन था, आज रेन भी था। आज हमारे एक और व्यूअर आते हैं, एक और गेस्ट आते हैं, उनका नाम था रवि सर, तो उन्होंने भी आज रेन इंडस्ट्रीज के बारे में बोला, उनका भी टारगेट बढ़े हैं इसके अंदर, खैर बट एनी हाउ। अच्छा सर वो आप अपना बता दीजिए, वो कौन कौन से शेयर्स आप बताना चाहते हैं। एक SCL इंफोसिस्टम था मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है जी, जल्दी जी, वो तो 1550 पे हमने लिया था, सर्किट ओपन भी हुआ था, 12 का स्टॉप लॉस था और मैंने कहा 2150 के बाद ऐड करेंगे, तो अभी ऑलरेडी वो 1850 आ चुका है, मतलब जितनी रिस्क थी उतना रिवॉर्ड तो आ चुका है अभी बीच में। सोनल जी आप दिला रही है, वो तो फैक्ट फैक्ट आज चला था आपका जी जी जी, आज आपको मिक्स कर रहे थे कि आपका फैक्ट आज बहुत चला, सुबह सुबह आ गया था 142, अब 145 भी आ रहा है, सुबह सुबह 150 भी इसने कैटेगरी पे टच किया है, और ये 115 का आप एक स्टॉप लॉस लगा के बता रहे थे कि इसके अंदर चलना है, तो आज ये आपका शेयर अच्छा चला है, इसके लिए हम आपको सुबह याद कर रहे थे। सर अब अपडेट देते हो, आप स्पीड से अपडेट दो क्योंकि अब टाइम नहीं है, फिर हम मेरे को बहुत सारे सवाल ले रहे हैं, लोगों के बहुत सारे सवाल पेंडिंग पड़े हैं जी। डिम्पी जी सबसे पहला फर्स्ट अपडेट ऑन निफ्टी, मैंने 15935 पे भी कहा 16000 नहीं आएगा, पहले 15550 आएगा, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो मैं उस वक्त ये बार बार इसलिए कह रहा था कि उस वक्त ऐसा होता है ना कि एक हमारे अंदर एक बहुत स्ट्रांग ग्रीड होती है कि अभी तो 16000 आना ही, और एक कॉन्फिडेंस होता है जो कि मार्केट को हम रिस्पेक्ट नहीं करते, और हम उन 60 पॉइंट के लिए हम 300 पॉइंट नीचे आ गए। तो अभी मैं कहूंगा अगर लॉन्ग से थोड़ा सा टाइम वेट कीजिए, डेफिनेटली हमको रैली मिलेगी, बट थोड़ा एक बार 15550 15500 आने दीजिए। तो वो निफ्टी के लिए व्यू हो गया। फिर आपको एक क्विक व्यू स्टॉक्स पे दूंगा। सबसे पहला अपडेट जो मेरा था वो आपने दे दिया है पैक का। सेकेंड अपडेट था TCS, कल मैंने लाइव शो पे भी बोला था कि 3235 ये आप स्टॉप लॉस डाल के इस ट्रेड में बने रहिए, ये बहुत अच्छा चलेगा। इसने आज तुरंत पिकअप कर लिया है और इनफैक्ट हम जैसे बात कर रहे हैं उसी में इसने पिकअप कर लिया है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप बिलीव नहीं करेंगे सर, थोड़ी देर पहले हमारे साथ ना अजीत सर भी थे, उन्होंने भी TCS ही दिया, रैलीगर सिक्योरिटीज के वीपी हैं, रिसर्च में हेड भी हैं, तो उन्होंने भी ये TCS के बारे में बताया, उन्होंने कहा था कि 3000 की कॉल भी ले लो, अभी हमने नीचे चलाई भी थी कि 3000 कर सकते हो ना, आपने देखा हाँ ये 75 का टारगेट, 30 रुपए का स्टॉप लॉस ऐसे कुछ था, रेट वेट तो खैर मैंने नहीं चेक किए, 3000 की है, 3300 की नहीं है, 3000 की कॉल है ये, आप इस पर एक बार जरा ध्यान रखिएगा। हाँ तो अभी सर इसको लेके चले जाए ना आज की क्लोजिंग प्रॉफिट, ये 3300 की कॉल है जो आप बात कर रहे हैं, ये मैंने भी ली है पहले ही और ये अच्छी लग रही है जी, 3300 की है जी, क्योंकि प्राइस ही अराउंड 3320 चल रही है। ओके ओके फिर तो ठीक है, फिर तो 3300 की कॉल अगर TCS की फिर तो ठीक है, फिर तो लेके चले भी सकते हैं इसके अंदर। अच्छा सर आप मेरे को बताइए आज के 20-30 रुपए बुक तो ना करें ना, लेके चले जाए ना TCS जी। जी डिम्पी जी बिल्कुल लेके जाइए, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम, बहुत स्ट्रांग मूव है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल बने रहिए। ठीक है सर और कोई अपडेट जी डिम्पी जी? क्विक अपडेट्स में सबसे पहले बताऊंगा हाईटेक गियर, इसने आज भी नया हाई बनाया, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, डेफिनेटली बने रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। सूर्या रोशनी भी बने रहिए। मेन अपडेट मेरा दूसरे शेयर के बारे में, सूर्या रोशनी और हाईटेक गियर बने रहिए। एक शेयर मैंने कहा था 165 पे बाय करने के लिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 145, वो शेयर था SH केलकर, वो काफी देर कंसोलिडेशन में था SH के, आज उसने बहुत अच्छा पिकअप दिया है, तो इसमें अब अगर किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया था तो आप कर लीजिए क्योंकि आज प्राइस ने एक ब्रेकआउट कंफर्म कर लिया है। तो 7% ऊपर ले ले सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना जी? नहीं कल लेंगे हम, थोड़ा वेट करेंगे, अगर ये वापस आए 168 के आसपास तब लेंगे, बट जिन्होंने लिया था पहले वो बने रहे क्योंकि हमारा 140 का स्टॉप लॉस था। ये ना सब लोगों की ड्यूटी लगा देते हैं, हमारे जितने लोग यहाँ पे है, हमारे सब व्यूअरशिप है ना, तो सब लोगों की ड्यूटी 80-80 लोग आप सब ध्यान रखना, अब तो खैर बाद में भी लोग रात को भी देखते हैं, तो SH केलकर कल सर को याद दिलाना है, मैं बोल रहा हूँ तो आप सब लिख दीजिएगा नीचे कि सर को SH केलकर याद दिलाना है, आज आप छोड़ दो,
आज इसको जाने देते हैं, कल SH स्केल करके अंदर हम ट्रेड लेंगे पोजीशन, क्योंकि आज प्राइस ब्रेकआउट है, थोड़ा मार्केट भी जिटरी है, कल का कल देख लेंगे फिर। ठीक है सर, कोई और अपडेट? जी डिम्पी जी, एक लास्ट अपडेट, ये थोड़ा सा खुशी के हमारे अपडेट है, क्योंकि इस शो पे फर्स्ट टाइम मैंने वो स्टॉक कहा था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 35 रुपीज, आज उस स्टॉक का भाव 100 हो गया है, बिना किसी के नजर में आए, बिना कोई फंडामेंटल व्यू, ना ही किसी चैनल पे बात हुआ, ये आप और मैंने बात की थी, तो इसके लिए एक सेलिब्रेशन डेफिनेटली बनता है। अरे वाह, बिल्कुल सर, बिल्कुल बनता है, और मैं 100 का लेवल देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, सर्किट भी 100 पे लगा, शतक लग गया, ट्रिपल डिजिट में आ गया फिर से रिलायंस इंफ्रा। अच्छा, कोई आदमी जज भी नहीं कर पा रहा होगा कि ये कैसे हो गया ये। अब आप देखो, मैं इसी महीने का, इसी साल का भी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये आपको दिख रहा होगा अभी आपकी स्क्रीन पर, ये मई के महीने में मैं डेट भी पूरी पूरी मैच करवा देता हूँ, चलो ठीक है ना, ये 24 मई से मैंने ले रखा है, चलो मैं इसको 15 मिनट करता हूँ, ये लो। अब आप देखो, ये मई का महीना हो गया, आज आए 17 तारीख ना, 17 से 17 लेते ना, 17 मई को सर इसकी कीमत थी करीब करीब 50 रुपए, और आज है 100 रुपए जी। 17 जून है, मई के बाद जून ही आता है, एक महीने में डबल हो गया, 50 रुपए से सीधा 100 रुपए, बैक टू बैक सर्किट लगा, बहुत बढ़िया सर, वेल डन, बहुत बधाई आपको, शानदार शेयर आपने बताया। एक श्री इंफ्रा हमने भी बताया था, हमारे विवेक मित्तल जी हैं हमारे एनालिस्ट, उन्होंने बताया था, आज मेरे को लग रहा है इस पे वापस से सर्किट लगा है 20% का, यस इस पे फिर से 20% का सर्किट लगा, ये शेयर भी 8 रुपए से 13 रुपए हो गया, अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें बैक टू बैक आपको डबल हो गया, ये भी श्री इंफ्रा भी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई है, अच्छे से शेयर आप दोनों बता रहे हैं। अच्छा सर, और अपडेट कोई देना चाहते हैं फिर आगे बढ़े? डिम्पी जी, एक न्यू शेयर की बात करूंगा अगर आप चाहे इजाजत दे तो क्विकली, मुझे बॉम्बे डाइंग बहुत अच्छा लग रहा है। ओ वाओ, इसका करंट प्राइस शायद कुछ 94 के आसपास होना चाहिए, एक्जेक्टली 94 ही चल रहा है सर, 94 है, और मेरे हिसाब से इसमें अभी एक स्मॉल पुश, मतलब अगर आपको 100 रुपीज बॉम्बे डाइंग में इन्वेस्ट करना है, आप 40 रुपीज अभी करो, और इस 40 रुपीज को आप स्टॉप लॉस रखो 75 रुपीज, यानी आप 20 रुपीज का रिस्क रख रहे हो। पहला टारगेट हमारा होगा 115, यानी 20 रुपीज का टारगेट होगा, बट वो लेवल मेन हमारा होगा ऐड करने के लिए एग्रेसिवली फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 175। ओके ठीक है, पहली ट्रेड हम सिर्फ कि हमें थोड़ी देर में तो ले लेना, फिर अभी ले लें, अभी आज ही क्लोजिंग है, कल को कल देखें जी, थोड़ी पोजीशन आज ले सकते हैं क्लोजिंग के आसपास, कैरी कर लीजिए, पोजीशन बनानी है, थोड़ी पोजीशन ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, थोड़ी सी पोजीशन आज ले लेते हैं फिर एक बार बॉम्बे डाइन के अंदर, और आई होप कि काम तो आ ही जाएगा फिर। ठीक है सर, इसका टारगेट जी डिम्पी जी, आप खाली इसका एक बार वीकली चार्ट देख लीजिए, वीकली चार्ट से इसका यस ब्रेकआउट, वो बहुत बढ़िया, शानदार जी, बहुत अच्छा चलेगा ये शेयर तो जी, बहुत सर। इसका टारगेट 160 रख सकते हैं, गैप है हमारे पास 160, वही 175 मैंने कहा था, बट पहले हम थोड़ा सेफर साइड पे जाके 75 का स्टॉप लॉस रखे, 115 का टारगेट रखेंगे, एक बार 115 है तब हमको एग्रेसिवली ऐड करना है, स्टॉप लॉस भी ऊपर करना है, और तभी टारगेट हम 175 रखेंगे। ठीक है, तो बॉम्बे डाइन आज हमारा ट्रेड हो गया, तो बॉम्बे डाइन तो आप बिल्कुल हम अच्छे से इसको रख रहे हैं, और इसको आज लेके ही जा रहे हैं, अभी थोड़ी बहुत पोजीशंस रखो, थोड़ी बहुत पोजीशंस को कल और देख लेंगे एक बार, बॉम्बे डाइन बाय कॉल्स। ठीक है सर, डन। अब सर कुछ क्वेश्चंस ले लूं, 7-8 मिनट रह गए, एक एनआईटी पे आपको व्यू देना है, एनआईटी लिमिटेड, फिर मैं आपसे सवाल ले रहा हूं, कुछ और शेयर लेता हूं, अब तो बहुत ऊपर नीचे चले गए, पहले एनआईटी लिमिटेड आप बता दीजिए सर जी। डिम्पी जी, ये उसी रेंज में बना हुआ है जो कल हमने बात की थी, अराउंड 280 तक आ गया है, 260-270 उसी रेंज में फंसा हुआ है, तो मैंने इसको 240 का स्टॉप लॉस लगा दिया है, और मैं होल्ड करके रखा हूं, मुझे इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, वीकर हैंड्स को रिमूव कर रहा है, बट ये डेफिनेटली बाउंस होगा, जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ 24 रुपीज का स्टॉप लॉस है, ले लीजिए। ठीक है डन सर, एक ग्रीव्स कॉटन जरा चेक करना, ये BTST लेके जा सकते हैं क्या, ग्रीव्स कॉटन BTST करके जाए, 7% ऊपर, आज हमारे एक मेहमान थे अपन का नाम प्रसाद कुशी, उनकी तरफ से दिया गया ट्रेड था, वो कह रहे हैं और भी अच्छा चल सकता है ग्रीस कॉटन। ये जो मार्किंग की थी ये हम दोनों ही डिस्कस कर रहे थे, किसी का क्वेश्चन था तभी हमने मार्किंग की थी, और ये अच्छा लग रहा है मैंने कहा था,
तो जिनके पास है इसको तो रख दीजिए, आप पोर्टफोलियो में भी रख दीजिए, बीटीएसटी करना है बीटीएसटी भी कर दीजिए, काफी स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, ग्रीव्स कॉटन लेके रख सकते हो, अभी भी ले सकते हो सर। एक शेयर है CAMS कैम्स के नाम से, ठीक है ना, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड है इसका, शॉर्ट फॉर्म है कैम्स। ये शेयर चल रहा है 2838 का, क्या करना चाहिए सर? 1% अभी नीचे है और रेंज में है, मेरे लिए तो ये नो ट्रेड वाली रेंज है। दिव्य जी, ये एक प्रॉफिट बुकिंग रेंज है मेरे हिसाब से, अगर जिनके पास भी है और उनके 100 रुपीज इन्वेस्टेड है, मेरा सजेशन होगा आप सेफली 40% बुक कर लो, 60% आप होल्ड करो। ठीक है, डन सर। एक मेरे को आप और बताइए। अच्छा, एक जिन्होंने पूछा आदर्श पांडे, वो कह रहे हैं कि 55 रुपए की होगी, 3300 वाली कॉल बुक करूं कि नहीं करूं? सर लेके जाओ TCS की, अगर आपको लगना है कि बुक करनी है TCS की कॉल्स, तो आप एक बार बुक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है सर, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, क्योंकि काफी सारे सवाल है, वो थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, वैसे कुछ मिस ना हो जाए। सर ये बसंत एग्रो, उन्होंने काफी बार पूछा, जिनका भी सवाल था, ये बसंत एग्रो, ये BSE का शेयर है सर, 12 रुपए में चल रहा है आज, एक बार जरा चेक कर लेना। बसंत एग्रो टेक्निकल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, 5% नीचे, 12 रुपए का शेयर। निम्बी जी एक बार इसका डेली चार्ट देख सकते हैं? दिखाते थे बिल्कुल, ये लीजिए इसका डेली चार्ट है, शेयर तो वैसे तो ठीक है डेली चार्ट पे। जी ये यहाँ पे तो ठीक लग रहा है, अगर जिनके पास है मेरे हिसाब से 9 रुपए 50 पैसे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए और होल्ड कर दीजिए। होल्ड कर दे, 9.50 का स्टॉप लॉस दे। ठीक है, जी पुराना बंडल इसका बना हुआ है जिगजैग वाला, आप ये देख पा रहे होंगे 9.50, यहाँ से ब्रेकआउट आया और अच्छी इसका भी ब्रेकआउट आपको मिल रहा होगा यहाँ पे मैकेड का। ठीक है, अच्छा किसी का इंसाइडर हो ना, किसी का इंफॉर्मेशन इंसाइडर इंफॉर्मेशन हो, तो वो अपने हिसाब से देखेगा, है ना, वो हमारे बिले उस पर ना जाइएगा। सर एक बार जरा APL अपोलो के बारे में आप जरा देख लीजिए, एप्ला अपोलो ये लिखा है उन्होंने, मैं जरा देख लेता हूँ, एप्ला अपोलो के नाम से है कोई? हाँ सर है, ये APL अपोलो के नाम से, यस 5% ऊपर है। अरे बाप रे, ब्रेकआउट मानो सर रेंज का? जी डिम्पी जी, ये जो शेयर है मेरे हिसाब से एक पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है, और जहां तक मुझे दिखता है ये डेफिनेटली अभी हायर टारगेट्स यानी अराउंड 1750 की तरफ जा रहा है, तो ये आप रख दीजिए पोर्टफोलियो में, इसके बारे में आप बॉदर मत कीजिए, ये लॉन्ग टर्म शेयर है, बिल्कुल इसमें कुछ छेड़खानी मत कीजिए। ठीक है सर, एक जरा लॉयड मेटल्स के नाम से कंपनी है, लॉयड्स मेटल, ये लॉयड स्टील है कि लॉयड्स मेटल है, एक बार मेरे को तो जी, अगर आप लॉयड स्टील देख रहे हैं तो शायद ये T2T वाली फर्म है, जो शायद 1 या 1.5 से 3 तक ये नहीं होगी सर, ये नहीं होगी लॉर्ड जी, पर मेटल में मैं चेक कर लेता हूँ ये क्या भाव आ रहा है इसका। SME कोड 42 रुपए का सर, ये भी सर्किट वाला ही शेयर है, 5% का बैक टू बैक सर्किट लग रहा है। जी डिम्पी जी, इसमें तो कुछ कर नहीं पाएंगे, एक बार आप मंथली चार्ट देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ है क्या हो रहा है, क्योंकि तो वहीं पे थोड़ा पिक्चर आ सकता है। अब तो बहुत इस वो चल ही रहा है, ये एक तो निकल तरफा ही चुका है, ये है। निकल चुका है। छोड़ दे, अगर किसी और कोई शेयर होना तो आप भी लिख दे जरा, कोड लिख दे, अगर यही शेयर है फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ यही शेयर है लॉर्ड मेटल्स एंड एनर्जी ना, यही शेयर है, छोड़ना पड़ेगा सर, ये तो बैक टू बैक सर्किट लगा रहा है, इसमें आप एंटर कहाँ कर पाओगे? अच्छा पता नहीं कौन माइक लाल है जिसने इसके अंदर एंटर भी किया होगा, क्योंकि अगर आप पिछले कई दिनों से इसके अंदर देख पा रहे हो तो बैक टू बैक सर्किट है। अब इसमें जी क्या बोले और आदमी क्या बताए और क्या देखे, आप ये देख रहे हो ना बैक टू बैक सर्किट, और शुरू कब से हुए? 27 अप्रैल से, एक दिन खुला होगा इक्का दुक्का, ये तो वैसे तो बैक टू बैक चल रहा है, छोड़ देते हैं इसको। अब इसमें क्या जी जी टारगेट पूछ रहे हैं, अब इसमें टारगेट भी क्या बताया बता दो सर, अगर आपको लग रहा है कोई टारगेट है तो उसका। डिम्पी जी एक बार मंथली चार्ट ओपन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए सर, डिम्पी जी इसका फर्स्ट टारगेट तो आ चुका है जो भी इसमें है। पहली बात ये करें, टारगेट से पहले मेरे हिसाब से 33 पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, फर्स्ट थिंग ये आपका पहला काम होना चाहिए। और आपको टारगेट जहां देखना है तो मैं कह सकता हूँ ये आप 65 के लिए होल्ड कर सकते हो, बट आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 33 पे होना चाहिए। ठीक है सर, एक बार जरा LIC हाउसिंग को देख लो आप, LIC हाउसिंग में अंदर क्या कर रहे हैं? LIC हाउसिंग फाइनेंस लेके जाना है, 3% नीचे है, या छोड़ दें कल की कल देखें? नहीं छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं कल की कल देखेंगे, कुछ नहीं करना सर। एक हेमिस्फीयर देखो आप, हेमिस्फीयर
हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के नाम से होगा शेयर, 142 रुपए का है, इन्वेस्टमेंट का ये शेयर भी, एक बार जरा इसको भी देख लो आप जी, नीचे जा रहा है, प्रॉफिट बुक करवा कर जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। कुछ करना है सर इसमें, ट्रेड वेड लेना है कि छोड़ देना है? नहीं नहीं नहीं, जिन भी मैं कहूंगा जिनके पास ये है आप 128 का स्टॉप लॉस रख दो, वो आपका लास्ट एग्जिट पॉइंट है, उसके ज्यादा बने मत रहिए इसमें। ठीक है, ये SCL इन्फो सिस्टम्स के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, SCL इन्फो सिस्टम पे तो सर्किट लगा हुआ है सर, आप इसमें आप क्या कर सकते हो, आप बेचना आपकी अपनी मर्जी है, लेके जाना तो वैसे तो लेके जाओ सर, लेके जाइए ना, कोई दिक्कत ही ना, आप 21-23 का टारगेट बता रहे थे जी डिम्पी जी, 21-50 के ऊपर तो हमें ऐड करना है, तो मैं तो लेके जा रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो सर एक काम और कर दो आप जरा, एक शेयर और था, एक मिनट जस्ट मैं पूछ लेता हूँ, वो कुछ छूट ना जाए किसी का शेयर, लॉयड्स मेटल भी बता दिया सर, एक बार जरा विधि डाई देखना, विधि डाई और एक AU स्मॉल भी लूंगा, विधि डाई, विधि स्पेशलिटी के नाम से आपको मिल जाएगा, ये है पता नहीं कौन सा शेयर है, 213 है विधि स्पेशलिटी। डीपी जी एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, ये चलेगा शेयर डेफिनेटली, इसका टारगेट 245-250 तक आएगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोग इसमें ऑलरेडी है वो इसको एक 198 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे, नए लोग अभी एंट्री ना करें, जितना 200 के नजदीक आएगा एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बन सकती है। ठीक है सर, AU बैंक पे देख लो आप, हालांकि समय हो गया है, मार्केट भी बंद हो चुका है, AU स्मॉल बैंक, जिनका क्वेश्चन है कह रहे हैं कि लेना चाहिए क्या, वो ले सकते हैं क्या, 1020 पे आज की क्लोजिंग हुई है इसकी, ले सकते हैं, कल लेंगे, अब तो आज तो मिलेगा नहीं। लिंबी जी लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा गैप है, डेली चार्ट अगर आप खोले तुरंत दिख जाएगा, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो गैप क्लोज होने दीजिए। ओके ठीक है, वो जो गैप है एक बार क्लोज होने दे, ठीक है छोड़ देते हैं एक बार, उसके बाद फिर इसको देखते हैं, कल मत लेना, अगर किसी को फिर भी पूछना हो तो कल का कल फिर एक बार मार्केट के अंदर चेक करवा लेंगे क्या करना चाहिए। बोडल केमिकल भी पूछा है किसी ने, बताइए तो सर, होल्ड करना है जी, बोडल होल्ड करना है, कोई तकलीफ नहीं, 107 की एंट्री है, 112 चल रहा है। ठीक है, तो बोडल को होल्ड ही करके रखो, जिनके पास भी है, नया लेना चाहे तो नया वाला भी आ सकता है ना सर, आ सकता है जी बिल्कुल, 95 इज द स्टॉप लॉस, तो कोई रिस्क बड़ी नहीं है, ले सकते हैं। ठीक है, अब जिनके भी सवाल नहीं ले पाए, एक काम और कर दो, दो क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे, मैं जरूर उनका सवाल भी ले लेता हूँ, एक है M&M फाइनेंस और नजारा, ये और देख लो सर, पहले M&M फाइनेंस फिर दूसरा नजारा। M&M फाइनेंस ये शेयर चल रहा है 162 रुपए, 4% नीचे है। देखिए जी ये एक वीक शेयर है मेरे हिसाब से, जितना मुझे दिख रहा है ये एक सेल ऑन राइट शेयर है, इसमें कोई लॉन्ग पोजिशन बनानी नहीं चाहिए, और इसके लिए मैं एक लास्ट सपोर्ट दूंगा वो होगा अराउंड 158, इसके नीचे जाए तो आप बिल्कुल इसमें ट्रेड मत कीजिए, अपनी पोजीशन खाली कर दीजिए। एक शेयर और ले लेते हैं सर, वो है नजारा टेक्नोलॉजीज, ये और देख लीजिए लास्ट, काफी बार पूछा गया था, मेरे से गलती हुई, बता नहीं पा रहा था इसका, 1662 है, रेंज में है लिंपी जी, इसमें एक ट्रेड बन रही है, वो ट्रेड ये बन रही है कि सिर्फ, मैं हमेशा कहता हूँ एक तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है, एक सपोर्ट के नजदीक होता है, तो इसको हम 1620 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं, मतलब बहुत छोटी रिस्क है, यहाँ से रिटर्न बड़ा मिल सकता है, हम ये ट्रेड इसलिए ले रहे हैं कि रिस्क छोटी है। ओके ठीक है, 1620 का एक स्टॉप लॉस लगा दे, फिर टारगेट क्या दोगे, फिर वो भी तो देना पड़ेगा। 1620 का टारगेट हम लगा दे तो हम इसमें कंफर्टेबली टारगेट रख सकते हैं 1725, 1725 का टारगेट रख दो, इसके अंदर 1680 का स्टॉप लॉस, 1620 का लगाओ स्टॉप लॉस इसमें, 1620 जी है ना, हाँ 1620 और 1725 ये आपको मिल जाएगा, नजारा टेक्नोलॉजीज ये आप अच्छे से नोट कर लो, जिनका भी क्वेश्चन था नहीं ले पाए थे, किन का था पता नहीं, जिनका भी था जो शाह जी का था, तो जिनका भी क्वेश्चन था उनके लिए हमने कर दिया काम। ठीक है, तो अब जिनके नहीं सवाल ले पाए सर को, थोड़ा आज वैक्सीनेशन वगैरह लिया है इन्होंने तो थोड़ा इनको आज फ्री कर देते हैं जल्दी जल्दी, क्या मतलब टाइम उल्टा ले लिया 2 मिनट हमने फालतू, तो कल फिर अब मुलाकात होगी आपसे प्रशांत जी, कल तो होंगे आप मॉर्निंग में हमारे साथ, बिल्कुल 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 बने रहेंगे सुबह से। ठीक है, अच्छा सर आपने क्या लगवाया, कोवैक्सीन लगवाया या कोविशील्ड लगवाया है? कोवैक्सीन लगवाया। अच्छा, कोवैक्सीन के तो ज्यादा बुखार बुखार नहीं आता, सुनने में आ रहा है कि कोवैक्सीन थोड़ा ठीक है, 28 दिनों में दूसरा लग जाता है। अच्छा, आपकी सेकंड डोज थी क्या ये? नहीं फर्स्ट थी, बट कोवैक्सीन में 28 दिनों में दूसरा लगता है और कोविशील्ड में 84 डेज के बाद लगता है। ओके 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 ओके, ठीक है सर, टेक केयर सर, और कल आपसे फिर वापस मुलाकात होगी, स्पीड से क्वेश्चन लेंगे और आपके भी जो जवाब होंगे आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा सुबह सुबह 10 बजे ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
तो प्रशांत सर से आज हमको अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बता रहे थे। आज इस कार्यक्रम से इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा, पहले ओपनिंग करेंगे फिर 2:30 से 3:30 क्लोजिंग करेंगे, तो दोनों शोज का फायदा उठाइए। नमस्कार।